तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि ओमस और बॉबी लैशली के दरमियान WWE एक मैच प्लान कर रही है, और अब ये चीज़ हो चुकी है ऑफिशियली कंफर्म, क्योंकि मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के ऊपर बॉबी लैशली ने किया है अपना रिटर्न, और आते साथ ही उन्होंने ओमस को अपना टारगेट बनाया है। और अब ओमस और बॉबी लैशली के दरमियान एक सिंगल्स मैच जो है रेसलमेनिया 38 नाइट 2 के लिए ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। इस मैच के अगर मैं विनर प्रेडिक्शन की बात करूं तो अभी तक बैकिंग ऑक्स के मुताबिक, क्योंकि ये मैच अभी ही कंफर्म हुआ है रिसेंटली, तो जो फेवर है वो ज़्यादा बॉबी लैशली की तरफ जा रही है, क्योंकि बॉबी लैशली ने अभी अभी इंजरी के बाद अपना रिटर्न किया है, और जब वो इंजर हुए थे तो उस टाइम वो WWE वर्ल्ड चैम्पियन भी थे। और सेथ रॉलिंस का रेसलमेनिया मैच हो चुका है ऑफिशियली कंफर्म। विंस मैकमैन के साथ जो मीटिंग सेथ रॉलिंस की हुई, उसके बाद सेथ रॉलिंस का मैच जो है वो इस साल रेसलमेनिया 38 नाइट 1 के ऊपर ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। अपोनेंट अभी तक रिवील नहीं किया गया। विंस मैकमैन के चूज़ किया हुआ पर्सन जो है वो रेसलमेनिया के अंदर सेथ रॉलिंस को फेस करेगा, और ये जो पर्सन है जो अपोनेंट होगा सेथ रॉलिंस का, वो हम सबको पता है कि वो कोई और नहीं बल्कि कोडी रोड्स होंगे। जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद WWE के सेल्स को बढ़ाने के लिए रेसलमेनिया से पहले रॉक किसी एपिसोड के ऊपर कोडी रोड्स का रिटर्न करवाए, क्योंकि अब हमें इस तरह की कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि रेसलमेनिया के अंदर ही कोडी रोड्स करेंगे अपने रिटर्न। और अगर मैं बैकिंग ऑफ के हवाले से बात करूं तो कोडी रोड्स जो है वो क्लियर फेवरेट हैं सेथ रॉलिंस को हराने के लिए रेसलमेनिया के अंदर, क्योंकि एक तो शॉकिंग फैक्टर भी होगा सेथ रॉलिंस के लिए कि कोडी रोड्स जो है वो उनके रेसलमेनिया में पहुंचना है, और अगर इतने टाइम के बाद WWE जिस तरीके से कोडी रोड्स को लेके आ रही है, स्पेशली जिस तरह की AEW के अंदर कोडी रोड्स की परफॉर्मेंस थी, और जिस तरह दूसरी दीगर इंडीज कंपनी के अंदर कोडी रोड्स ने परफॉर्मेंस दी है, मुझे नहीं लगता कि इस टाइम WWE अगर कोडी रोड्स का रिटर्न करवा रही है तो सेथ रॉलिंस का कोई भी चांस होगा सामने, क्योंकि ये वो डिफरेंट कोडी रोड्स, वो वाले कोडी रोड्स नहीं है जो हमें स्टारडस्ट और 2011 से लेकर 2014-15 तक के दरमियान में देखने को मिलते थे। ये डिफरेंट कोडी रोड्स हैं, डिफरेंट कैलिबर के सुपरस्टार हैं। तो इस मैच के अंदर बैकिंग ऑक्स के मुताबिक कोडी रोड्स जो हैं वो सेथ रॉलिंस को अपने रिटर्निंग मैच के अंदर हरा देंगे। तो गाइस ये थी छोटी सी रेसलिंग की शॉर्ट अपडेट, मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।